हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी, पनीर वेज रोल। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। वेजिटेबल पनीर रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम पराठे का आटा लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने ये 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो सिर्फ मैदा में भी बना सकते हो या फिर 1:1 आधा मैदा आधा गेहूं का आटा से भी बना सकते हो। ये मैंने सिर्फ गेहूं का आटा लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा सॉल्ट, और मोन के लिए तेल, मिक्स करके हम नॉर्मल जो पराठे का आटा लगाते हैं वैसा आटा लगा लेते हैं। आटा मैंने लगा लिया है, ये देखो ऐसे नॉर्मल परोठा जैसा आटा लगाया है। अब मैं ये आटे में तेल डाल के और गूंदूंगी ताकि अच्छे से ये मुलायम हो जाए और परोठे भी अच्छे से सॉफ्ट बने। इस तरह से थोड़ा टाइम तक तेल डाल के मसाज दीजिए आटे को। अब हम इस आटे को ढककर 15 से 20 मिनट जितना रेस्ट देंगे। तब तक हम वेजिटेबल और पनीर का स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं। ये मैंने गाजर लिया है, कैप्सिकम, अनियन, मशरूम, कैबेज और पनीर। आप चाहो आप आपके पसंद के वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो इसमें। तो चलो स्टफिंग बनाते हैं। अब ये मैंने एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। अब इसमें मैं सारे वेजिटेबल्स डालूंगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अनियन। ये मैंने 4 जितनी अनियन मीडियम साइज की थी कट करी है। अब मैं साथ में ही सारे गाजर भी डाल दूंगी। ये मैंने लंबे लंबे 2 गाजर कट कर लिए हैं। गाजर और प्याज थोड़ा बहुत पक गया है। अब मैं डाल रही हूँ कैबेज। ये सारे वेजिटेबल्स मैं हाई फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ कटा हुआ लहसुन और मिर्ची भी। ये मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि पहले वेजिटेबल के साथ बहुत ज़्यादा कुक हो जाती है, इसलिए थोड़ा बाद में ऐड कर रही हूँ मैं। ये मिक्स कर लेंगे। अब मैं सारे मशरूम ऐड कर रही हूँ। और ये कैप्सिकम, ये मैंने 3 कैप्सिकम कट किए हैं। और ये सारे वेजिटेबल्स मैं हाई फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, वेजिटेबल्स को क्रंची रखना है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना चिली फ्लेक्स। हाफ टेबल स्पून मिक्स्ड हर्ब्स, हाफ टेबल स्पून काली मिर्ची और सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। ये स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो केचप। ये मैं 2 टेबलस्पून जितना ऐड कर रही हूँ ताकि स्टफिंग जूसी रहे। आप चाहो तो यही वेजिटेबल्स में चाइनीज फ्लेवर भी दे सकते हो, जैसे इसमें शेजवान सॉस ऐड कर सकते हो, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस ऐड करके
चाइनीज फ्लेवर भी दे सकते हो। वेजिटेबल स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम पनीर को रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम पनीर को ऐसे टुकड़े में कट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, लाल मिर्ची पाउडर, ये धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, और पनीर को मिक्स कर लेते हैं। अब ये पनीर को सौते करेंगे। पनीर सौते करने के लिए पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के ये पनीर डाल रही हूँ, और थोड़ा क्रिस्पी पनीर कर लेंगे। ये देखिए पनीर बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं ये पनीर को ये जो वेजिटेबल्स है इसमें ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर लेते हैं। तो ये पनीर और वेज का स्टफिंग अब पूरी तरह से रेडी है, स्टफिंग रेडी हो गया है अब। और तब तक ये आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं परोठे बना लेती हूँ। ये आटे का पेड़ा मैंने बना लिया है और अब मैं बेल लेती हूँ। अब मैं ये पराठे को सेक लेती हूँ। ये पराठा देखो अब रेडी है। ये मैंने सारे परोठे बना लिए हैं, अब हम रोल प्रिपेयर करते हैं। ये प्लेट में मैंने एक पराठा लिया है, अब हम इस पर मेयोनीज लगाएंगे। ये मेरा सैंडविच स्प्रेड वाला मेयोनीज है, आप कोई भी तंदूरी जो सिंपल प्लेन मेयोनीज आता है वो भी लगा सकते हो। अब ये वेज और पनीर का स्टफिंग रखेंगे। ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप, पराठे को रोल कर दीजिए। रेडी टू ईट। और रोल को पिन अप कर दीजिए ताकि वो खुल ना जाए। ऐसे ही हम सारे रोल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये वेज पनीर रोल रेडी है। ये बहुत ही हेल्दी है खाने में और बहुत फटाफट से भी बन जाते हैं। आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।